गाइस गुड आफ्टरनून, आई एम राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? जैसे लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी वो थी आपका फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, रिवर्स गियर, और क्लच कैसे इस्तेमाल करना, गियर किस पैटर्न से लगाना और गियर को कैसे पकड़ना है। अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि गियर को किस डायरेक्शन में पकड़ना है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि बड़े रास्ते पे कार को कैसे चलाना होता है। जैसे हाईवे होता है, बिजी रोड होता है, आउटर रिंग रोड होता है, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गाड़ियाँ कितनी स्पीड में चल सकती है और स्पीड कितनी लिमिटेड होती है, और हमको अगर स्लो चलना है तो किस साइड में चलना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी लुबना दानिश। ओके, कितने डेज हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? जी आज फोर्थ डे है। और कहाँ से आती हैं आप? हम खुर्रम नगर से। ओके, खुर्रम नगर से है। अभी तक क्या कॉन्फिडेंस है फर्स्ट डे से और आज? फर्स्ट डे तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था। ओके, लेकिन आज जाके तकरीबन 65% हो गया है। ओके, अभी आप चला सकते हैं। ओके ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कार चलाना कोई बहुत टफ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत होती है और एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग बात करेंगे कि मैम कैसे चला रही हैं। अभी कौन से गियर में गाड़ी है आपकी? सेकंड गियर की। मिनिमम स्पीड क्या होती है? 20 to 30। अभी आपको गाड़ी यहाँ पे रोकना है, जैसे सपोज करो कि जाम लग गया है, एकदम लेफ्ट दबा लो गाड़ी अपनी और पूरा क्लच ले कि धीरे से ब्रेक लेके स्टॉप कर लो गाड़ी, एकदम स्टॉप कर लो, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक। हाँ, गाड़ी स्टॉप हो गई, गुड। अभी कौन से गियर में गाड़ी है? सेकंड गियर में। अब इसको वापस बढ़ाना है तो कौन से गियर में बढ़ाएंगे हम? थर्ड गियर में। फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर में। थर्ड का कोई मतलब ही नहीं होता है, हमेशा जब भी गाड़ी फर्स्ट टाइम मूव करते हैं तो फर्स्ट गियर, इसको फर्स्ट गियर में करिए, लेफ्ट लाके ऊपर। हाँ, लेफ्ट लाके ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अभी आपको क्या करना, सिर्फ ब्रेक छोड़ना है, गाड़ी ऑलरेडी ढलान पे है जी, स्लोप पे है ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक ही नीचे जाएगी धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे, पूरा क्लच नहीं छोड़ना, सिर्फ हाफ क्लच छोड़ना है। जाने दीजिए, हाँ बस, और जाने दीजिए, वेरी गुड। राइट रखो हल्का और फिर वापस रोको, पूरा क्लच और ब्रेक। हाँ, वेरी गुड। फिर वापस बढ़ाना है तो पहले ब्रेक छोड़ोगे फिर क्लच छोड़ोगे, क्लच वो भी हाफ क्लच, फुल क्लच नहीं जी। जाने दो, वेरी गुड। फिर वापस जाने दो, पूरा क्लच रिलीज कर दो। अब यहाँ ढलान है तो यहाँ आपको एक्सीलेटर पे पैर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपका पैर क्लच और ब्रेक पे होना चाहिए। वापस फिर स्टॉप करना है तो पूरा क्लच और करके दिखाइए, पूरा क्लच और ब्रेक। हाँ, वापस फिर बढ़ाइए, पहले क्या छोड़ेंगे? ब्रेक। फिर चुप क्या छोड़ेंगे? क्लच, हाफ क्लच, हाफ। आपने यहाँ पूरा क्लच देखो रिलीज कर दिया। क्लच को समझना है, जब भी गाड़ी कभी रोकनी है आपको भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो क्लच को बहुत धीरे धीरे, जैसे हम इंजन के साउंड को समझते हैं ना, जैसे किसी चीज को एकदम साइलेंट होकर सुनते हैं, उसी तरीके से इसके इंजन के साउंड को। अब वापस पूरा क्लच रिलीज कर दीजिए, गुड। अब एक्सेलेटर करिए, स्पीड बढ़ाइए, हाँ और बढ़ाइए, हल्का राइट रखो गाड़ी अपनी। अब एक्सेलेटर वाला पैर ब्रेक पे लाओ, फट क्लच दबा के सेकंड गियर, जल्दी से पूरा क्लच दबा के फट सेकंड गियर, लेफ्ट लाके पीछे खींचो, लेफ्ट लाके, हाँ लेफ्ट लाके पीछे खींचो, वेरी गुड। छोड़ दो, गुड, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, गुड। अगर ज़्यादा देर तक आप क्लच दबा के रखोगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब हम क्लच दबा लेते हैं तो गाड़ी किसी भी गियर में नहीं है, गियर में होने के बाद भी वो न्यूट्रल हो जाती है जितनी देर हम पूरा क्लच दबा के रखते हैं। अगर हाफ क्लच में तो गाड़ी गियर में एक्टिव रहती है। हल्का राइट रखो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। हॉर्न मारिए साइकिल वाले को, गुड। हल्का राइट रखो थोड़ा सा, ताकि इसमें टकराए ना, और राइट रखो, इस एंटीने से मैच करो, राइट रखो, हल्का राइट और राइट, गुड। जाने दो आगे, अभी जो ये कट आ रहा है यहाँ से हमको राइट जाना है, लेकिन अभी नहीं, पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले से, ठीक है, अभी नहीं टर्न करना है। और जो टर्न करने से पहले 100 मीटर पहले आप राइट का सिग्नल देंगे, सिग्नल किस साइड का देंगे? राइट साइड का। और साइड मिरर में देख के रखिए, आपके बगल से कोई गाड़ियाँ तो नहीं आ रही हैं। ब्रेक पे पैर रख लीजिए, सामने से ट्रक भी चालू हो गया है, खड़ा था वो चलने लगा। अब राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को, राइट का, धीरे धीरे गाड़ी अपनी राइट दबाइए, यहीं से राइट लेना, राइट लेना मैडम, राइट, कंफ्यूज मत होइए। जाने दीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए स्पीड, हाँ हल्का रेस करिए, हाँ हल्का, बस अब ब्रेक पे पैर ले आइए, जहाँ से ये ट्रक जा रहा है यहीं से आपको टर्न करना है, क्लच और ब्रेक पे पैर रहना चाहिए, दबाना कुछ भी नहीं है आपको, दबाना कुछ भी नहीं है। हाँ, और पूरी स्टीयरिंग फुल काट दो फुर्ती से, जल्दी से, वेरी गुड, कट ही रहने दो। अब ब्रेक छोड़ो, सीधी करो स्टीयरिंग फटाफट, जल्दी जल्दी, और बस हो गई सीधी। अब लेफ्ट का सिग्नल दो, अब धीरे धीरे गाड़ी लेफ्ट में आना है, सीधा चलना है हम लोग को, सीधा लेफ्ट आना है, क्योंकि हमारी साइड कौन सी है? लेफ्ट। हाँ, बस हल्का राइट रखो, जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड, और लेफ्ट आओ, बस सीधी करो स्टीयरिंग, गुड, लेफ्ट आ जाओ, अब सिग्नल बंद कर लो,
टर्निंग पे सिग्नल देते हैं तो ऑटो कट हो जाता है, अगर सीधा सीधा सिग्नल देते हैं तो वो बंद करना पड़ता है। अभी कौन से गियर में आप? सेकंड गियर में। कभी भी टर्निंग पॉइंट पे एक्सीलेटर हमको इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हॉर्न दीजिए ट्रक वाले को, बढ़ा रहे धीरे धीरे, हाँ बस धीरे धीरे बढ़ाना है ट्रक को क्रॉस करके, फिर अपना लेफ्ट आ जाओ। लेफ्ट में इसलिए चलवा रहा हूँ आपसे ताकि मतलब पीछे से आने वाले लोगों को डिस्टर्ब ना हो। स्पीड बढ़ा लीजिए, गुड, जाने दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी कौन से गियर में चल रहे हैं आप? सेकंड गियर में। सेकंड गियर में, सेकंड की स्पीड 22-30 होती है, जाने दो। हमेशा स्पीड मीटर पे भी नज़र आना चाहिए आपका, राइट साइड साइड मिरर में, लेफ्ट साइड वाले साइड मिरर में, ये लुकिंग ग्लास जो है आपका, ये इसमें भी नज़र आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, स्पीड मेंटेन करिए थोड़ा सा, जाने दो, गुड। और लेफ्ट वाली ही लाइन में रखना। अब आपको ये डिवाइडर जो है फ्लाइवर का, इससे देखो लेफ्ट में एक वाइट लाइन बनी हुई है, बस उस वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना है, बट वाइट लाइन के ऊपर आपका टायर चलना चाहिए। जो लेफ्ट में एंटीना लगा इससे आप जजमेंट ले सकते हैं जी। लेफ्ट वाले एंटीने से आपको पता चल जाएगा कि आपका टायर कहाँ चल रहा है ना, दिख रहा है जी। हाँ, तो अभी थोड़ा गैप हो गया है क्योंकि हमको अपना लेफ्ट मेंटेन करके चलना, ना कि राइट, क्योंकि जो भी आएगा वो हमको राइट से ओवरटेक करेगा, ठीक है, लेफ्ट से नहीं करेगा। तो हमेशा हमको अपना लेफ्ट ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर होता है क्या कि हम राइट में बैठते हैं और लेफ्ट का जजमेंट नहीं हो पाता है, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी हमेशा लेफ्ट में चौड़ी होती है, राइट में तो होती नहीं है। राइट में तो आप ऑलरेडी बैठे ही, तो राइट से कोई टेंशन नहीं, जो भी गाड़ी आएगी वो राइट से निकलती जाएगी, जो भी गाड़ी आएगी वो राइट से निकलती जाएगी। राइट रखिए, हल्का राइट, हाँ गुड, धीरे 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 धीरे, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, स्पीड उतनी रखिए जितना आप कंट्रोल कर सकें। ज़्यादा फास्ट में क्या होगा कि डिसबैलेंस हो जाएगा तो गाड़ी इधर उधर टकरा सकती है। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेकंड गियर की जो स्पीड मैक्सिमम होती है 30, जैसे अभी आप चल रहे 30, अब इससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि जितना स्लो चलाएंगे उतनी बारीकियाँ हमको समझ में आएंगी। फास्ट में क्या है ना, गाड़ी भागती है फटाफट, 10 किलोमीटर हो गया, समझ में हमको कुछ भी नहीं आया। तो फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाने के लिए स्पीड जो है लिमिटेड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, आप भी चला सकते हैं और ऐसा कोई इशू नहीं है, सभी लोग चला सकते हैं, बस थोड़ा सा किसी को जल्दी आ जाती, किसी को थोड़ा समय लगता, किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एजुकेशन का रोल नहीं होता है। चला चला के चीज़ें सारी सुधर जाती हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा कोशिश करें, कुछ वीडियोज़ देखें, वीडियोज़ से बहुत हेल्प मिलती है। और इसी तरीके से जैसे मैडम चला रही वैसे आप भी चला सकते हो। और कोई, बहुत सारी लेडीज़ें सोचती कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा सा जुनून होना चाहिए, बहुत ही इजी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।